ए बी एंड सी डी आर टू परपेंडिकुलर डायमीटर्स, ठीक है। ओ ए इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और इसमें सेंटर ऑफ ओ ए आपको कह देते सेंटर ऑफ सर्किल है ना, और डी ओ कह दीजिए डायमीटर ऑफ दी डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्किल, डी ओ डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्किल पॉइंट एरिया ऑफ द साइड ऑफ दी चलिए देखिए एरिया ऑफ द साइड ऑफ रीजन आपको बताओ। इसके लिए क्या करेंगे बताओ, देखिए ए बी और सी डी परपेंडिकुलर डायमीटर हो गया, ओ ए रेडियस ऑफ द बिगर सर्किल हो गया, और स्मॉलर सर्किल का डायमीटर क्या हो जाएगा बताओ, डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्किल डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्किल रेडियस ऑफ बिगर सर्किल ना, क्योंकि ओ ए ओ डी सेम होगा, ओ ए ओ डी ओ सी ओ बी सेम है ना, तो रेडियस ऑफ बिगर सर्किल रेडियस ऑफ बिगर सर्किल, तो देखिए ये आपका रेडियस ऑफ बिगर सर्किल है, तो डायमीटर ऑफ बिगर सर्किल टू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा कैपिटल आर, इसलिए आर इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल आर बाई टू, इसके बाद 7 है तो बाई टू, तो रेडियस ऑफ स्मॉल सर्किल हो गया 3.5 सेंटीमीटर ना, ठीक है। अब एरिया ऑफ सेंटर रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ स्मॉल सर्किल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्किल ऑफ बिगर एरिया ऑफ सेमी बिगर सर्किल है माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ए सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ए सी ना, बी ए सी के एरिया माइनस कर सकते हैं। तो चले देखिए, तो सी बी ए आपका क्या है आइसोसेल्स ट्राइंगल, कैसे ट्राइंगल है आइसोसेल्स ना, क्योंकि सी बी और सी इक्वल होगा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ए स्क्वायर एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एंड पॉइंट, ए स्क्वायर एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एंड पॉइंट ना, तो डी सी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, तो सी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी, तो सी बी और सी ए इक्वल हो जाएगा, तो इसलिए ये आइसोसेलिस हो गया ना, ठीक है। तो इस आइसोसेलिस ट्रायंगल का बेस क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, इसका बेस क्या हो जाएगा ए बी, ए बी क्या होगा डायमीटर ऑफ बिगर सर्किल, ए बी क्या चीज है डायमीटर ऑफ बिगर सर्किल, तो 2 × OA आपका ए बी हो जाएगा, मतलब 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, है ना। देखिए ये जो लेंथ है 2 × OA नहीं है, अब उसके बाद देखिए और ओसी क्या हो जाएगा, सीओ क्या हो जाएगा, सीओ जो है रेडियस है, सीओ किसके बराबर होगा ओए के बराबर होगा 7 सेंटीमीटर, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, इस तरह के इस ट्रायंगल के लिए क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, है ना। देखिए वर्टेक्स से आपने नॉर्मल रखे तो परपेंडिकुलर नहीं हुआ, तो बेस मालूम हो गया, परपेंडिकुलर मालूम हो गया, एरिया मालूम हो गया, तो चलिए एरिया ऑफ साइड ऑफ रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ साइड ऑफ रीजन, एरिया ऑफ साइड ऑफ रीजन, तो जो साइड ऑफ रीजन के एरिया हो गए साइड ऑफ रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्मॉल सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल कर लीजिए स्मॉलर सर्किल, कर लीजिए स्मॉलर सर्किल,
ऑफ प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्किल, सेमी बिगर सर्किल है, बिगर सर्किल ठीक है, माइनस माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ना, माइनस एरिया ऑफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल CBA ठीक है। तो चलिए ये हो जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 1/2 बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल बेस इनटू हाइट होता है, तो ये भी बेस हो गया और CO हाइट हो जाएगा, है ना, CO क्या हो जाएगा हाइट, आप इसे बन रहे दीजिए, तो क्या होगा पाई ये आर बाय टू होल स्क्वायर हो गया, 1/2 पाई आर स्क्वायर हो गया माइनस 1/2 डायमीटर क्या है 2R, डायमीटर क्या हो जाएगा 2R हो जाएगा ना, ये भी जो है 2 टाइम रेडियस हो गया डायमीटर, और CO क्या है एक रेडियस है बिगर सर्कल का, तो हम क्या दे रहे हैं ये क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 4 हो गया, ये पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो गया, ये क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा ना। अब इसका एलसीएम ले लीजिए तो पाई आर स्क्वायर बाई 4 प्लस 2 पाई आर स्क्वायर बाई 4 और माइनस आर स्क्वायर ठीक है, तो 3 पाई आर स्क्वायर बाई 4 माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर आप बाहर ले लीजिए तो हो जाएगा 3 पाई बाई 4 माइनस ठीक है, ये ना अब इसे वैल्यू रख देते हैं बस आंसर आ जाएगा, कितना हो जाएगा मतलब ये हो जाएगा आपका पाई, आर तो एरिया ये स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर की वैल्यू कितना है, आर की वैल्यू दिया 7 स्क्वायर एरिया ठीक है, 3/4 इंटू पाई, पाई वैल्यू 22/7 हो गया माइनस 1 हो जाएगा, अब ऐसे में ले लिया तो 49 हुआ, 49 इंटू ये हो जाएगा आपका 66, दो से कट कर दीजिए 11 हो जाएगा, तो 33/14 माइनस 1 तो 49 इंटू 33 माइनस 14 बाई 14 है ना ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाइए तो क्या हो जाएगा, ये 7 से कट जाएगा, 7 जा और 7 टू जाए ना, अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 इंटू ये हो जाएगा 9 13 से 4 गया 9 फिर 2 से 1 99 गया ना ठीक है, और अब बाई 2 तो 97 जा कितना होगा 171 66.5 सेंटीमीटर। चलिए चलिए चलिए।